तो ये देखिए गाइस खाली 500 की मिला हुआ है, ठीक है, अभी लेके आ रहे हैं और आप लोग गिन के दिखा रहे हैं ये टोटल पैसा कितना है, ठीक है, और कितना मैं यूट्यूब से कमाता हूँ। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 21, 22, 23। तो दोस्तों आज जो है आप सभी को खुशी दिखता होगा क्योंकि मेरा पेमेंट आ चुका है और मैं सिलाई के जो है चैनल है उसे मैं कितना कमाता हूँ आज सब जानोगे मेरे इस ब्लॉग पे। तो आज का जो ब्लॉग है ना काफी ज्यादा स्पेशल है यार, मैं क्या बताऊँ, कितना खुश हूँ कि मैं आप सभी को बता नहीं सकता हूँ। आज हर चीज बताने वाला हूँ कि कितना व्यूज पे मुझे कितना पैसा मिलता है और इसका रहस्य क्या है, मैं कितना दिल से कमा रहा हूँ और मेरा जो सिलाई का चैनल उस पर कितना सब्सक्राइबर है, कितना व्यूज आता है, कितना व्यूज पे कितना पैसा मिलता है और मैं पर मंथ कितना पैसा कमा लेता हूँ, मेरा कितना डॉलर इनकम हो जाता है, सब कुछ जानने के लिए इस वीडियो को पूरा देखिए। और आपको रियल में कोई फेक नहीं, मैं रियल में दिखाने वाला हूँ आप सभी को कितना पैसा, कितना डॉलर का भी रेट है, कितना पैसा मिलता है, वो हर चीज। तो चलिए आज का जो स्पेशल है मैं चाहा कि ये खुशी आप सभी को मैं जाहिर कर दूं ताकि जो लोग अगर इस पे काम करना चाहता है या अगर काम कर रहा है बिल्कुल जुनून से तो कितना पैसा कमा सकता है। अगर टेलर है तो अगर वो चाह रहा है इस काम को करके, देखिए मेरा क्या है, मैं जितना कमाता हूँ सोच लो कि मैं सिलाई के काम से कितना कमाता हूँ और इससे कितना कमाता हूँ, यानी कि आम का आम और गुठलियों का दाम कमाता हूँ, ठीक है। आम का तो आम मिल ही जाता है, गुठली खा के आप तो फेंक देते हो, वही गुठली से मैं पैसा कमा लेता हूँ। तो चलिए मैं डिटेल्स में दिखाता हूँ। आप यकीन नहीं करोगे कि जो मैं मात्र क्या करता हूँ, डेली जो मैं सिलाई का काम करता हूँ, सिलाई करके मैं खुद कुछ उस पैसे वो काम करके मैं खुद कमाता हूँ। मैं अगर 100 रुपए सिलता हूँ तो उसमें मुझे 500 रुपए मिल जाते हैं, उसके बाद क्या मिलेगा, कुछ नहीं। लेकिन हाँ, उसका काम किया तो वो मुझे 500 दे दिया, एक बार दिया, लेकिन वही काम मैंने क्या किया, उसको मैंने YouTube पे अपलोड कर दिया, बस उसका पैसा मैं जीवन भर खाऊंगा, समझ पा रहे नहीं। तो चलिए डिटेल्स में आप सभी को समझाते हैं। अगर आप कोई ऐसा टेक्निकल काम करते हो जिससे आप पैसा कमाते हो, वही काम करो ना, आप दूसरे को देखकर मत आओ YouTube पे। अगर YouTube पे पैसा कमाना है तो दूसरे को देखकर कभी मत आना। अगर जो काम करते हो वही काम दिखाओ। अगर कुछ तुम छोटे हो, जैसे कि एग्जांपल में ले लो कि अगर आप किसी फैक्ट्री में काम कर रहे हो और बहुत ही नीच लेवल का है, दिखाओ ना, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत शौक से लोग देखेंगे, क्योंकि जो नीचे रहता है ना उसको देखने में लोगों को बहुत मजा आता है और वही दिखा दिखा कर एक दिन आप सेलिब्रिटी बन सकते हो। जैसे कि लाइफ एग्जांपल आप मुझे देख सकते हो कि मैं टेलर काम करता हूँ, पढ़ लिख कर मैं दर्जी का काम करता हूँ, इतना अच्छा खासा एजुकेशन लेकर मैं टेलर काम करता हूँ, ठीक है। लेकिन करता हूँ तो पढ़ा लिखा बहुत ज्यादा मायने रखता है। मैं पढ़ा लिखा नहीं रहता तो शायद मैं मुझे आप लोग यहाँ पे नहीं देखते, क्योंकि मैंने इस काम को किया, इस काम को समझा और सीखा, आप सभी को सिखाया, कैसे मेरे पास एजुकेशन है, मैं इस चीज को आराम से समझा और किया बहुत ही तसल्ली से। और मैं बता दूं कि मैं पिछले 5 साल से YouTube पे काम कर रहा हूँ और लगभग मैं 1.5 से 2 साल से पैसा कमा रहा हूँ। 3 साल मेरा जो है मेहनत पानी में गया, लेकिन हाँ, आप कंटिन्यू रहोगे ना तो इसमें रियल में सक्सेस हो सकते हो। तो हाँ, चलिए आप सबको दिखाते हैं कि कितना पेमेंट आया है और लगभग कितना मेरा पेमेंट बन जाता है। और मैं इसमें कंटिन्यू काम नहीं करता हूँ, मैं बिल्कुल फोकस से इसमें काम नहीं करता हूँ, पार्टनर समझ रहे हो, ऐसे पार्ट टाइम करता हूँ YouTube पे। फुल टाइम मेरा शॉप है, दुकान है टेलरिंग का, वो मैं काम करता हूँ। रियल बता दूं आप सभी को, आप लोग यकीन नहीं करोगे कि मैं ये काम पार्ट टाइम में करता हूँ। आप लोग महीने का वीडियो गिन सकते हो कि मैं कितना देता हूँ, 15 देता हूँ, 14 देता हूँ, 13 देता हूँ, 12 देता हूँ, कभी कभी तो एक महीना ही गायब रह जाता हूँ, तबियत खराब हो जाता है या जिसमें एक्सीडेंट हो गया था 2 महीना काम नहीं किया था, लेकिन पेमेंट मुझे मिला था, ठीक है, वो भी अच्छा खासा पेमेंट मिला था यार। अगर दूसरे फैक्ट्री में रहते, कंपनी में रहते या दुकान में ही काम करते, नहीं करते, पेमेंट मिला दुकान से, नहीं मिला पेमेंट, लेकिन इससे मिला। अब मैं इसमें फोकस से काम करूंगा, बिल्कुल दिलो जुनून से काम करूंगा ताकि मैं इससे कुछ कर पाऊं, क्योंकि मेरे अंदर भी अब मोटिवेशन आ चुका है कि भाई मैं 2 साल से पैसा कमा रहा हूँ, ऐसे पार्ट टाइम काम करके कुछ पैसा कमा लेता हूँ, अगर इसी को फुल टाइम करूं, यानी कि फुल टाइम नहीं करूंगा, हो सकता है 50-50 इस पे आधा उस पे, ठीक है।
तो जैसे जैसे जिसपे मुझे ज्यादा बेनिफिट हो जाएगा मैं उस पर ज्यादा फोकस देना शुरू कर दूंगा। लेकिन हाँ, इनकम का सोर्स मेरा एक नहीं है, तीन चार है, और इनकम का सोर्स मैं बढ़ाऊंगा, घटाऊंगा नहीं। ठीक है, अब यूट्यूब पे मैं अभी दिखाऊंगा आप सभी को। यूट्यूब पे आप सिर्फ एडसेंस से पैसा नहीं कमाते हो, मैं मेरा सिलाई के काम है ना, बहुत सारा कंपनी हमको अप्रोच करती है स्पॉन्सर करने के लिए, लेकिन शायद से मैं नहीं करता और किसी किसी को कर देता हूँ, समझ सकते हो। ठीक है, क्योंकि व्यूज मेरा बहुत कम आता है यार, बहुत कम आता है। आप देख सकते हो कि सब्सक्राइबर मेरा 1.5 लाख के करीब है, 1,18,000 सब्सक्राइबर, लेकिन व्यूज मेरा हर वीडियो पे 2,000, 1,500, 1,000 के करीब करीब से जाता है। ठीक है, कोई कोई वीडियो पे लगभग 1 मिलियन पुरने वाले हैं, और अच्छा खासा जो है मैं बता रहा हूँ कि पर मंथ कमा लेता हूँ, ऐसा कोई मायने नहीं जो मुझे पेमेंट नहीं मिला हो। ठीक है, तो चलिए आप सबको दिखाते हैं कितना पेमेंट मिला है और कितना जगह से कमा सकते हैं। लगभग मैं स्क्रीन रिकॉर्डर चालू करके आप सबको दिखा रहा हूँ। और हाँ, अगर आप सब काम कर रहे हो ना, तो जो आपके अंदर नॉलेज है, जैसे कि आप टीचर हो, तो आप जैसे कि सामने फोकस करो ना, कि सामने मैं 500 बच्चा को, 50 बच्चा को, 20 बच्चा को पढ़ा रहा हूँ, सेम इसी तरीके से आप इस पे पढ़ा सकते हो। आप मोबाइल या कैमरा चालू करो और सोचो कि मेरे सामने 20, 25 या 100 बच्चे बैठे हुए हैं। आपको यकीन नहीं होगा कि एक दिन ऐसा आएगा कि आपका वीडियो जो है, आपके वीडियो से लोग मिलियनेयर स्टूडेंट सीखेंगे। जैसे खान सर को देख सकते हो, क्या वो ये सोच के आए थे कि मेरे पास इतना बच्चा सोच आएगा, नहीं आएगा, लेकिन उन्होंने क्या किया, एक्शन लिया। उसी तरीके से आपके अंदर जो है वही चीज दिखाओ। अगर आप दर्जी हो तो ये सिलाई कटिंग ही सिखाओ, अगर आप राजमिस्त्री हो तो ईंटा चढ़ाई का दिखाओ, अगर आप ऐसे घूमते हो, अच्छे अच्छे जगह पे जाते हो, वही चीज दिखाओ, यानी कि आप जो हो वही दिखाओ। अगर एक्स्ट्रा कुछ बनने की कोशिश करोगे तो सफल नहीं होंगे। तो चलिए आप सभी को डिटेल्स में सिखाते हैं। हो सकता है ये वीडियो लंबा हुआ होगा, बट आप सभी को रियलिटी चीज बताए हुए हैं। अब दिखाते हैं पेमेंट, ताकि आप सभी मोटिवेशन हो सके। दोस्तों अब देखिए, आप सभी को मैं बता रहा हूँ कि मैंने बहुत सारे वीडियो देखा है जो टेक्निकल लोग है कि अपना पेमेंट पूरा शो नहीं करते हैं, इसका क्या इशू है, क्योंकि उत्तर तो मुझे नॉलेज नहीं है टेक के बारे में। तो मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ कि देखिए, यहाँ पे जितना जीरो दिख रहा है ना, उस जीरो से पहले आप एक जोड़ लो, मैं उतना हर महीने कमा लेता हूँ। यहाँ पे आप सिर्फ जीरो पे देखो, ठीक है, कितना जीरो है, उसके बाद उसके पहले एक जोड़ लो, आप सभी को पता चल जाएगा कि मैं पर मंथ कितना कमाता हूँ। उसके बाद जो है, ये जो सामान बेचता हूँ, स्केल बेचकर, आयरन बेचकर, डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है, अमेजोन से लोग जाते हैं खरीद लेते हैं। ठीक है, हम अमेजोन से कितना कमाता हूँ यहाँ पे आप देख सकते हो, जितना जीरो है ना उसके पहले एक लगा दो, आप सभी को पता चल जाएगा। इसके बाद स्पॉन्सर, तो स्पॉन्सर महीना में एक दो मिल ही जाता है, जो आप सभी को पता भी नहीं चलता होगा, और बीच बीच में मैं बता देता हूँ, कभी कभी 2 महीना पर, कभी कभी 3 महीना पे, कभी कभी लगातार मिल जाता है। ठीक है, तो उसमें भी कुछ पैसा मिल ही जाता है, व्यूज के अनुसार मिलता है पैसा। जैसे कि मेरा कैटेगरी अगर इसी लाइन से मिलता है तो थोड़ा ज्यादा पैसा मिलता है, ऐसे हटके मिलता है थोड़ा कम मिलता है। और मैं स्पेंसर नहीं करना चाहता क्योंकि मेरा ऑडियंस बहुत कम है व्यूज के मुताबिक। तो आप सभी को पता हो गया कि मैं कितना कमाता हूँ। हाँ, और जो मोटिवेशन होना चाहता है, मोटिवेट होना चाहता है, अगर कोई यूट्यूब पे काम करना चाहता है तो ये वीडियो उनके पास शेयर कर दीजिए, ताकि वो जो है और बिल्कुल मोटिवेट होकर वो काम कर सके। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक आप लोग हमें साथ रहा करें।